गर्मी शुरू होते ही आग ने अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। ताजा मामला लखनऊ के थाना कैसरबाग का है, जहां विद्युत उपभोक्ता सेवा केंद्र परिसर में रखे केबल ड्रम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने पास में रखे और भी तारों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग लगने की सूचना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग के डर की वजह से पास में काम कर रहे कर्मी अपने अपने ऑफिसों से बाहर निकल गए। उधर आग की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड को मैंने इन्फॉर्म किया, सो हुसैनगंज को इन्फॉर्म किया टाइमली, और पीछे से जो रतन स्क्वायर वालों ने जेट अपने लाइन के थ्रू जो है काफ़ी कंट्रोल किया। फायर ब्रिगेड जो आने में करीब आधा घंटे से ज़्यादा समय लगा, तो उस चक्कर में थोड़ा सा जो है नुकसान हो गया। सर, जिस तरह के तार हैं उसमें कितना अनुमानित नुकसान की मानी जा रही है? अब चूंकि इसमें जो केबल ड्रम्स है तो ऊपर से जले हैं, एक एवीसी ड्रम हमारा जला है, तो लगभग वही 3-3.5 लाख के आसपास जो है नुकसान अभी दो प्रामा फेसी यही लग रहा है कि इसमें का नुकसान है। फिलहाल तारों में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। वहीं इस भीषण आग ने करीब 4 लाख रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से नील सैनी की रिपोर्ट।